गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 करेंगे जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वेरियस स्टेजेस, कंपनी की स्थापना विभिन्न चरण। अब तक हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़े हैं, जिसमें हमने पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ा था सोल ट्रेड, उसके बाद हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किया था, उसके बाद आई थी पार्टनरशिप और लास्ट में आया था हमारा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की स्थापना करना जो है वो बहुत ही टफ काम है, सबसे टफ काम है कंपनी बनाना। तो अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे बनती है कंपनी, कि हम एक कंपनी की स्थापना या उसका निर्माण कैसे करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एज ए कंपनी इज ए लीगल एंटिटी, सर्टेन लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन इज टू बी फॉलोड, कि कंपनी जो है एक वैधानिक व्यक्ति है, इसका अस्तित्व जो है एक वैधानिक है, यानी कि विधान कानून के द्वारा इसका जन्म होता है, तो इसलिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं इसको स्थापित करने में। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी की स्थापना में निम्नलिखित स्टेप्स जो है वो उठाए जाते हैं। तीन स्टेप अगर पूरे हो जाएं तो हमारी कंपनी की स्थापना हो जाती है। पहला स्टेप प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन या इसको रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, और थर्ड है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू करना। अब ये मैंने हिंदी में भी बनाया है क्योंकि कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है, इसलिए इसकी स्थापना के लिए अनेक औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं। कंपनी की स्थापना के विभिन्न चरण निम्न हैं। तीन चरणों से होके हमें गुजरना पड़ेगा अगर हम अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो हमें ये तीन स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। पहला प्रवर्तन, सेकंड समामेलन या रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं इसको, और थर्ड है व्यवसाय प्रारंभ करना। अब तीनों को हम वन बाय वन जो है वो पढ़ेंगे। तो आज पहले हम प्रवर्तन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रवर्तन यानी कि प्रमोशन। प्रमोशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी bringing the company into existence। इसका अर्थ ये हुआ कि उन सभी क्रियाओं के योग से है जो एक कंपनी को अस्तित्व प्रदान करने के लिए ज़रूरी होती हैं, कि यानी कि जब कंपनी का निर्माण करना होता है, कंपनी को अस्तित्व देना होता है, कंपनी की एक पहचान बनानी होती है, तो जो जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सब को हम प्रमोशन का नाम देते हैं, और जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसको प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर इट रेफर्स टू दैट पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन टू ब्रिंग ए बिजनेस यूनिट इनटू एग्जिस्टेंस। इसका अभिप्राय उन सभी अथवा व्यक्तियों के समूह से है जो एक व्यवसायिक इकाई को अस्तित्व में लाने के लिए विभिन्न कार्य करता है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि कोई व्यक्ति है, उसके दिमाग में सबसे पहले ये विचार आएगा कि मैंने कंपनी की स्थापना करनी है। जिस व्यक्ति के मन में ये सबसे पहले विचार आता है, ये ख्याल आता है कि हमने कंपनी की स्थापना करनी है, और उस स्थापना को पूरा करने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन सभी को हम प्रमोशन कहते हैं, और जिस व्यक्ति के मन में ये विचार आता है उसको हम प्रमोटर कहते हैं। अब ये विचार आएगा कि हमने कंपनी की स्थापना करनी है, तो उसके लिए वो विभिन्न कार्य करेगा। तो विभिन्न कार्य किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बिजनेस जो करना है वो किस चीज़ का होगा, परचेज एंड सेल का होगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का होगा जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाई जाएंगी, या थर्ड सर्विसेज का होगा, सेवाओं का होगा। तो इस तरह से ये सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं उस व्यक्ति को, या उस व्यक्तियों के समूह को, या कुछ व्यक्तियों के समूह को ये सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो इनको बोलते हैं वेरियस एक्टिविटीज़। ये सारे कार्य जब करने पड़ते हैं तो उसको कहते हैं प्रमोशन, और जो व्यक्ति ये कार्य करते हैं उनको बोलते हैं प्रमोटर। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब सेकेंड और थर्ड स्टेप हम वन बाई वन करके बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।